देखिए आज हम लोग अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको हेरिडिटी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस पे दो पे वीडियोस दिए गए थे, ठीक है। दो थ्योरम और इसमें बचे हुए हैं जो दोनों के इम्पॉर्टेंट हैं। लिखिए लेट कैपिटल वाई बी आ सब स्पेस, लेट कैपिटल वाई बी आ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स, ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, then prove that v is neighborhood of small y in capital y IFF if there exist a neighborhood u of y in capital x such that v is equal to y intersection u, such that v is equal to y intersection u, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई हुई हैं। सबसे पहले v is neighborhood of y in y, v is neighborhood of y in y, और आपको प्रूफ करना है वी इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन यू, ठीक है। ये आपका गिफ्ट है, हमेशा हम बताते हैं आपको एक गिफ्ट के बारे में, दिस इज योर गिफ्ट, ये आपका गिफ्ट है, ये आपको फ्री में दिया गया है, चाहे नीचे से ऊपर प्रूफ करें ऊपर से नीचे, ये हमेशा कंडीशन आपके साथ अटैच रहेगी, ठीक है। डालिए प्रूफ देखिए इसका। मान ले रहे हैं लेट कैपिटल वाई बी आ सब स्पेस ऑफ आ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, लेट वी इज नेबरहुड ऑफ वाई इन कैपिटल वाई। तो हमको ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। आपको पता है कि v y का नेबरहुड है तो y v का लिमिट पॉइंट होगा। y आपने क्या पढ़ा था, s x r इज कंटेंड इन g, x इसका इंटीरियर पॉइंट, ये g इसका फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए होगा तो ओपन सेट, और g x का नेबरहुड कहलाता है। फिर आपने पढ़ा है हर एक ओपन सेट, ओपन स्पेयर और नेबरहुड खुद में पाए जाने वाले पॉइंट्स के लिए इंटीरियर है। देखिए एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, तो इसका मतलब वाई इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी इन कैपिटल वाई, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू वी इंटीरियर। ये हमने आपको बताया एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ यू, एक्स बिलोंग्स टू यू इंटीरियर। This implies there exist r greater than 0, r belongs to r such that y को center, r को radius मान करके खींचा गया open sphere v में contain करेगा, equation number 1। फिर देखिए let sx y comma r, sx x के ये y के respect में है, इस हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। इस ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो, मरी से मरी हालत में उसका सेंटर ज़रूर होगा। इस नेबरहुड ऑफ वाई इन कैपिटल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पुट, अब हम लोग क्या करेंगे, एस एक्स वाई कॉमा आर की जगह पुट कर देंगे यू, एस एक्स वाई कॉमा आर यूनियन वी इज इक्वल टू यू। देखिए v नेबरहुड है y का, sxyr भी नेबरहुड है y का,
x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, यूनियन लेंगे सारे पॉइंट्स आएंगे, बड़ा हो जाएगा x और y में, कौन बड़ा होता है x, तो ये नेबरहुड होगा y का x के रिस्पेक्ट में. देन u इज नेबरहुड ऑफ y इन x. कैसे समझाएं, ये नेबरहुड ऑफ y इन, नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल y है, नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल x है. यूनियन लेने पर बड़ा वाला मिलता है, बड़ा कौन होता है x, तो ये यूनियन लेने पर बड़ा, बड़ा a है x, तो ये भी बड़ा मतलब x का होगा. नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल x. फिर देखिए, नाउ ये लेकर के चल रहा है y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन u की जगह एस एक्स वाई कॉमा आर यूनियन v. दिस इंप्लाइज y इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू y, इसको बारी से इस पर अटैच, इस पर इंटरसेक्शन एस एक्स वाई कॉमा आर यूनियन y इंटरसेक्शन v. This implies y intersection u is equal to, आपको पता है x वाले ओपन स्पेयर का y से इंटरसेक्शन लेने पर y वाला ओपन स्पेयर मिलता है, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर जो छोटा होगा वो मिलेगा, v किसका सबसेट है y का, तो v. This implies that y intersection u is equal to s y y comma r union v. एस वाई वाई कॉमा आर यूनियन वी, दोनों में से जो बड़ा होगा वो मिलेगा, दोनों में से बड़ा कौन है वी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा वी फ्रॉम इक्वेशन वन. ठीक है, एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, अब कन्वर्ट्स पार्ट देख लीजिए. कन्वर्ट्सली let u is neighborhood of y in x such that v is equal to y intersection u. हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ v is neighborhood of y in capital y. फिर देखिए, this implies, फिर देखिए, since आपने कहा u is neighborhood of y in capital X, this implies y is interior point of u in capital X. This implies there exists r greater than 0, r belongs to r, such that y को center, r को radius मान करके खींचा गया open sphere कंटेन कर जाएगा u में. दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ y से इंटरसेक्शन ले लीजिए, y इंटरसेक्शन एस एक्स कॉमा वाई कॉमा इज कंटेन इन y इंटरसेक्शन u. दिस इम्प्लाइज x वाले का y से इंटरसेक्शन लेने पर y वाला मिलता है, इज कंटेन्ड इन v. दिस इम्प्लाइज y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल v इन y. दिस इम्प्लाइज v इज नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल y. यही आपको प्रूफ करना था, उतारिए इतना. उतार लीजिए.
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लिखिए लेट लेट कैपिटल वाई लेट कैपिटल वाई बी अ सब स्पेस लेट कैपिटल वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स एंड ई इज सबसेट ऑफ वाई एंड ई इज सबसेट ऑफ वाई लेट ई क्लोजर वाई एंड ई क्लोजर लेट ई क्लोजर वाई एंड ई क्लोजर डिनोट्स द क्लोजर ऑफ ई डिनोट्स द क्लोजर ऑफ ई इन कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स रिस्पेक्टिवली इन कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ई वाई का क्लोजर इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ई क्लोजर एक्स वाले का वाई से इंटरसेक्शन लेने पर वाई वाला मिलता है. ठीक है, डालिए प्रूफ. लिखिए लेट वाई कॉमा डी डैश लेट वाई कॉमा डी डैश बी द सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी बी द सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी देन बाई डेफिनेशन ऑफ क्लोजर देन बाई डेफिनेशन ऑफ क्लोजर कॉमा वी हैव then by definition of closure comma we have e closure with respect to y is the intersection of the all the closed set containing e. ठीक है, ई क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स कंटेनिंग ई. इसको मान रहे इक्वेशन नंबर वन. नीचे से लिखिए, इतना लिख लीजिए फिर नीचे से लिखिए. आपको पता है एच वाई में क्लोज सेट है. अगर एच वाई में क्लोज सेट होगा तो ऑब्वियसली एक्स में एक क्लोज सेट एफ पाया जाएगा इस तरीके से कि x वाले का y से इंटरसेक्शन लेने पर y वाला मिलेगा. ठीक है, ये थ्योरम हम लोग ने कल पढ़ा था. लिखिए सिंस y इज सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x कॉमा d सिंस y इज अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x कॉमा d सिंस y इज अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x कॉमा d and H is closed set in capital Y and H is closed set in capital Y then there exists a closed set then there exists a closed set capital F in capital X capital F in capital X such that H is equal to Y intersection F such that H is equal to Y intersection F. नीचे से लिखिए using this in equation 1 comma we get using this in equation 1 comma we get E closer Y is equal to intersection of H की जगह Y intersection F is a closed set
in y such that e is contained in y intersection f. This implies e closer y. काम करिए y intersection को कॉमन ले लीजिए. y intersection को कॉमन लेंगे तो मिलेगा intersection of f is a closed set in x. यही चेंज हो जाएगा. Such that e is contained in f. This implies e closer with respect to y, y intersection e closer because it is the definition intersection of all the closed sets in x containing e. ठीक है, उतार लीजिए. नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम लिखिए. लास्ट थ्योरम लिखिए. लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स. लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स and E is subset of Y. And E is subset of Y. And E is subset of Y. Let us denote E Y interior and E interior X. Let us denote E interior Y and E interior X is the interior of E. Is the interior of E in capital Y and capital X respectively. In capital Y and capital X respectively, then prove that E interior with respect to X is contained in E interior with respect to Y. ठीक है, डालिए प्रूफ. प्रूफ में लिखिए. प्रूफ में लिखिए लेट कैपिटल वाई बी द सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स. लेट कैपिटल वाई be the subspace of a metric space capital X and let इसको इसमें contain दिखाने का मतलब इसका एक arbitrary element इसमें पाया जाना चाहिए. let X belongs to E interior with respect to X. this implies X is interior point of E in capital X. this implies there exists R greater than 0. R belongs to R such that X को center, R को radius मान करके खींचा गया open sphere with respect to X contain करेगा E में. This implies दोनों तरफ Y से intersection ले लीजिए. Y से intersection लेंगे तो Y intersection ही. This implies X वाले का intersection Y से लेने पर Y वाला open sphere मिलता है. is contained in Y intersection E का मतलब चूँकि E सबसेट है Y का, इंटरसेक्शन लेने पे छोटा मिलता है, ये छोटा है तभी इसमें कंटेन कर रहा है E. दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होगा
x is an interior point of E in capital Y. This implies x belongs to E interior with respect to Y. आपने तो कहा था कि x पाया जा रहा है x में, अब वही x पाया जाने लगा y में. This implies that E interior with respect to x contain करेगा E interior with respect to y में. इसका एक example भी है जो इस बात को बताता है कि ये containment हमेशा proper होगा. उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे counter example करेंगे. ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल इतना उतार लीजिए. या देखिए, मान लेंगे लेट x, d इज इक्वल टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस r, d बी आ यूजुअल मैट्रिक स्पेस. अब इसका सब स्पेस ले रहे हैं. लेट y इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ये बी द सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस x, d विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक D dash such that y cross y2 are defined by D dash xy is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to y. अब हम लोग y का एक सबसेट ले रहे हैं. Let E is equal to, एक काम करिए इसको क्लोज्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Closed 0,1 be the subset of y. Then चलिए E interior with respect to x निकालेंगे. पीछे निकाला था हम लोगों ने, x के रिस्पेक्ट को इसमें टेस्ट करेंगे आप. तो ये और ये जीरो इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाता है, 0,1 मिलता है. और y के रिस्पेक्ट में आपने चेक किया था इंटीरियर, तो 0 बना रहा था, 0,1 मिल रहा था. देखिए कहते कि इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, 1 तो इसमें बिलोंग कर नहीं रहा है, 1 को तो चेक करेंगे नहीं, 0 को चेक कर रहे थे r, d के रिस्पेक्ट में, कल ही बताए थे. तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं बना रहा था, लेकिन ये इसमें इंटीरियर पॉइंट बना रहा था. आप कह सकते हैं क्लियरली ओपन इंटरवल 0,1 प्रॉपर कंटेन करेगा क्लोज इंटरवल 0,1 में. This implies E interior with respect to X proper contained in E interior with respect to Y. मतलब ये कंटेनमेंट हमेशा कैसा होता है, प्रॉपर सब चीज में, सारे रिजल्ट्स में ये होल्ड करता है कि X वाले का इंटरसेक्शन Y से लेने पर Y वाला मिलता है. केवल और केवल एक इंटीरियर पॉइंट ऐसा केस है जिसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है. इंटीरियर वाले में X वाला हमेशा Y वाले में क्या करता है, कंटेन करता है. चैप्टर मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया है. बाकी अब नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सेक्शन भी शुरू करेंगे. कॉम्पैक्टनेस, कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस, ये तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बस.